जंक्शन क्षेत्र के धनला गांव में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय धनला के 5 बालिकाओं को प्रधान सुमेश सिंह कुंपावत, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जोशी द्वारा मारवाड़ तहसील स्तर पर लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेकर बालिका वापस गांव पहुंची, ग्रामीणों ने ढोल धमाके के साथ स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो नाउ इंडिया। जीवन कला पाली में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के साथ ढूंढो उत्सव की धूम एक दूसरे पर गुलाल व रंग डाल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव शहर सहित उपखंड क्षेत्रों में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुवार रात्रि शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के बाद परंपरा के अनुसार इस वर्ष जन्मे बच्चों को होली दहन स्थल पर ले जाकर पूजा अर्चना के साथ बच्चों की दीर्घायु की कामना की गई। इस वर्ष जन्मे बच्चों के परिवारजन अपने बच्चों को गाजो बाजो के साथ नाचते गाते ढूंढो उत्सव मनाते नजर आए तथा सुबह एक दूसरे को गले लगाकर गुलाल व रंगों के साथ होली का ये उत्सव मनाया। क्षेत्रीय सरगरा समाज विकास समिति मुंबई का स्नेह मिलन एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह शांतिपूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में हजारों की तादाद में समाज बंधुओं ने भाग लिया। श्रीमान मुलाराम सागदड़ा, संजय पड़ियार, छगनलाल दाना साहब, प्रेम रतन भाटी, पकाराम चपटावास, जयंती लाल, मनोज परमार के हाथों दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विधायक असलम शेख, विधानसभा मल्लार वीरेंद्र चौधरी, नगर सेवक दिलीप राज पुरोहित, प्रेसिडेंट सेल ऑपरेशन कांग्रेस, समिति के पदाधिकारियों ने राजस्थानी साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही विधायक असलम शेख ने कहा कि समाज को शिक्षा की जरूरत है, समाज में क्रूरता को मिटाने की जरूरत है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। समारोह में राजस्थान के सुपरहिट गायक कलाकार पिंटू सरकरा एंड पार्टी अहमदाबाद में गजानंद जी महाराज की वंदना के साथ एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही समाज के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने नृत्य पेश कर सबका मन मोह लिया। नृत्य में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया तथा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को समिति की ओर से मोमेंटो और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालक देवेंद्र धवल, मुरलीधर सागर और मनोज परमार ने मंच संचालन करते हुए समारोह को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आगामी समारोह तक 2019 में समाज की खुद की जमीन लेने के चढ़ावे लगाए, जिसमें मुंबई के निवासरत एक से बढ़कर एक भामाशाहों ने चढ़ावा लेकर लाभान्वित हुए। इस मौके पर अध्यक्ष जयंती एस भवनसा, उपाध्यक्ष बगाराम भावाराम, सचिव मनोज परमार सहित अन्य समाज बंधुओं ने होली के गानों पर नाचकर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो नाउ इंडिया। फाजिल का अबोहर रोड पर गंगा कैनाल के नजदीक दो नौजवानों की भेद भरे हालातों में लाशें मिलने से इलाकों में सनसनी फैल गई। लोगों की तरफ से इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने अबोहर की समाज सेवी संस्थान नर सेवा नारायण सेवा समिति के संयोग के साथ लाशों को फाजिल का के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। दोनों नौजवान की मौत का कारण नशों की ओवरडोज बताया जा रहा है। फाजिलका अबोहर रोड पर शुगर मिल के गंगा कैनाल के नजदीक जब लोगों ने दो नौजवानों को नहर के कांटे के पास गिरा देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद चौकी खुई खेरा की पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने वह दोनों नौजवान को मृत पाए। जब पुलिस की तरफ से मृतक नौजवान की तलाशी ली गई, एक की जेब के बीच में से डॉक्टर की पर्ची पाई गई और एक ही जेब में से आधार कार्ड मिला, जिसके साथ इतना ही पहचान शिवा और तरसेम निवासी अबोहर के रूप में हुई। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद ही सही तथ्यों का पता लगा सकेगा। लाशों को सिविल अस्पताल फाजिलका लेकर पहुंचे अबोहर की समाज सेवी संस्था नर सेवा नारायण सेवा समिति मंच ने बताया कि पुलिस ने उनको सूचना दी थी कि गंगा कैनाल के पास दो नौजवानों की लाशें मिली है जिसको अस्पताल लेकर जाना है, जिसके बाद वे यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों नौजवान गंगा कैनाल के पास से भेद भरे हालात में मिले हैं और इनके आसपास नशों की सामग्री पाई थी, जिसके साथ शक है कि ये नौजवान की मौत का कारण नशा हो सकता है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सही बात सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो नाउ इंडिया।
अबोहर के गांव शेरेवाला और खाटवा के बीच कच्चे रास्ते के नजदीक एक बाग में सरसों के खेत में एक व्यक्ति की गली सड़ी लाश बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां इस लाश की सूचना मिलने पर थाना बहावाला पुलिस अधिकारी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंच गए हैं। देखने में ये व्यक्ति सिर से गंजा है और उसके शरीर पर गहरे जख्म है। पुलिस द्वारा इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जहां इस मामले के संबंधी खेत के मालिक ने बताया कि वह रोजाना की तरह ही अपने खेत में चक्कर लगाने आए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सरसों के खेत में कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो कुत्ते इस लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने गांव निवासियों की मदद से थाना बहावाला की पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जो इस मामले में संबंधित थाना बहावाला के SHO बचिन सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें दो लोगों के गुमशुदा होने की शिकायत मिली थी, जिनमें से एक व्यक्ति के घर वालों ने इस लाश की शिनाख्त कर ली है। उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक उनका लड़का कुछ दिनों से दिमागी तौर पर परेशान था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मृतक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर लाश को परिजनों के हवाले किया जाएगा और आगे इस मामले की पूरी जांच कर बनती कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट मेट्रो नाउ इंडिया। लव मैरिज करवाने के 3 साल बाद भी लड़की और उसके पति को लड़की के पारिवारिक सदस्यों द्वारा मारपीट कर किया गया घायल। अस्पताल में इलाज करवा रहे पति पत्नी ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। फाजिलका निवासी एक लड़के लड़की को लव मैरिज करवाना इतना महंगा पड़ रहा है कि उनकी शादी को 3 साल होने के बावजूद भी उनकी शादी के विरोध में लड़की के परिवार वालों द्वारा आए दिनों उनको मारपीट कर घायल किया जा रहा है। जहां बीते दिन फिर इस पीड़ित जोड़े को लड़की के परिवार वालों द्वारा बुरी तरह पिटाई की गई, जिसके बाद वे फाजिलका अस्पताल में अपना इलाज करवाने पहुंचे, लेकिन वहां भी पुलिस की मौजूदगी में ही लड़की के परिवार वालों ने दोनों पति पत्नी और लड़के की मां के साथ इतनी मार पिटाई की और जिससे लड़के के सिर में काफी चोटें आईं और लड़के की मां के दांत तोड़ दिए गए। लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों को पकड़ने की बजाय उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहां अपनी आप बीती सुनाते हुए इस पति पत्नी और लड़के की मां ने बताया कि उनकी शादी 3 साल पहले कोर्ट द्वारा हुई थी, लेकिन लड़की के परिवार वाले इसका लगातार विरोध करते आए हैं और इस विरोध के चलते वे हमसे आए दिन मारपीट करते हैं और इसी तरह बीते दिन भी लड़की के परिवार वालों ने उसे रास्ते में रोककर इतनी पिटाई की कि उसका सिर खून से लथपथ हो गया और उसको छुड़ाने आई लड़के की मां की भी इतनी पिटाई कर दी गई कि उसके भी दांत तोड़ दिए गए। उन्होंने बताया कि वे इसकी शिकायत थाने करने गए थे, जहां पुलिस के 2 मुलाजम उनके साथ अस्पताल दाखिल करवाने गए थे, लेकिन वहां पर भी पुलिस मुलाजिमों के सामने ही लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने उनके साथ इतनी मारपीट की कि पुलिस कर्मी दूर खड़े तमाशा देखते ही रह गए। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, बल्कि आरोपियों को पकड़ने की बजाय उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले में संबंधी जब फाजिलका की थाना सिटी पुलिस से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलते हुए बताया कि उनके द्वारा 2 पुलिस मुलाजिमों को लड़का लड़की के बयान दर्ज करने भेजा गया है। वे जिस तरह के बयान दर्ज करवाएंगे उस हिसाब से बनती कार्रवाई की जाएगी। फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट।